हाय फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे और अपने परिवार के साथ में स्वस्थ और खुश होंगे। आज का मौसम अच्छा है और हम लोग आज नानी घर जाने वाले हैं। हमारा नानी घर जो है यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है और नानी हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। हम उनसे बीच बीच में मिलने के लिए जाते ही रहते हैं, लेकिन कोविड की वजह से बहुत दिन से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो चलिए फिर आज आप लोग भी हमारे साथ हमारे नानी घर और हमारी नानी से मिल के आइए। फाइनली अभी हम लोग नानी घर पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को नानी घर अंदर ले करके चलती हूं। तो बैक साइड में जो आपको दिख रहा है ये हल है, इसे खेतों में हल चलाया जाता है। और ये गेट है, हमारे यहाँ इसी तरह के गेट बनाए जाते हैं, ये बांस का बना हुआ है ये। तो इसे पहले खोल लेते हैं और चलिए फिर आप लोगों को ले कर चलती हूं अंदर। और हमारे यहाँ पहले ज़माने में इस तरह से मिट्टी के दीवार बनाए जाते थे, ये बाउंड्री है, इस तरह के होते थे, ये बाउंड्री है। और ऊपर में जो ये खपड़ा है, इसे इसको छारा जाता था जिससे कि यहाँ जो है पानी ना गिरे और ये दीवार जो है ये मजबूती से बना रहे, इस तरह से ये बना होता है। यहाँ भी एक एंट्री गेट है, यहाँ से मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। ये जो है सामने खड़ी है मामी है, यहाँ पर खड़ी हुई है मामी है, ये मुस्कुरा रही है, देखिए नमस्ते कर दे मामी कैमरा देख के शर्मा रही है। यहाँ ये वाला जो घास का पौधा जैसा लग रहा है ये लेमन ग्रास है। और ये अमरूद का पेड़ है और ये भी लेमन ग्रास है। यहाँ पर रोज खिला हुआ है, देखिए वाइट कलर का ये रोज है ये। और इधर जो है ये देखिए नींबू का पेड़ है, इसमें बहुत सारा फल लगा हुआ है, नींबू है। ये नानी घर घुसने का मेन गेट है और देखिए नानी हमारा इंतजार कर रही है। नानी यहाँ पर बैठी हुई है और हमारा इंतजार कर रही है। ये नानी है, यहाँ पर बैठी हुई है, नमस्ते कर दे नानी। हाँ और ये अर्पण है, बैठा हुआ है, पहले ही आ चुका है और आ करके घुस गया है। अभी हमारा वेलकम किया जा रहा है, तो हमारी बहन जो है वो कासा का लोटा में पानी लेकर के आई है और कासा का प्लेट लेकर के आई है और हमारे बड़े भैया का पैर धो रही है। और मामी जो है वो मेरा पैर धो रही है। और ये जो पैर धोने का जो रीति रिवाज है, ये हम प्यार से जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनका वेलकम करते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है तो हम लोग नानी से मिलने के लिए आ जाते हैं। नानी घर सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये गौशाला है, इसमें गाय और बकरियाँ रखी जाती हैं और बरसात के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ भी हैं। अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो मामी अभी हम लोगों के लिए संदेश बनाने वाली है, तो उसके लिए अभी हम लोग चावल कूट रहे हैं। पुराने समय से ही इसी प्रकार से चावल कूटा जाता है। और ये जो आप लोग लकड़ी का देख रहे हैं इसे ढेकी बोला जाता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है। मामी जो है अभी नीचे का चावल को ऊपर कर रही है और ऊपर का चावल को नीचे कर रही है, इसे उसकाना बोला जाता है। मैं ढेकी कूट करके थक गई हूँ, तो फिर अभी मैं चावल को छानने के लिए बैठ गई हूँ और मामू जो है वो ढेकी कूट रहे हैं। गुड़ और चावल की अरसा रोटी बनाने के लिए मामी पहले 1 कटोरी पानी कढ़ाई में डाल दी है, 1 kg गुड़ का अरसा रोटी बना रही है। तो पानी गर्म हो चुका है, उसमें गुड़ को डाल दी है और उसे अच्छी तरह से मिला दी है। इस रोटी को बनाने के लिए हमें 1 तार वाली चाशनी बनानी होती है, तो चाशनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें चावल का जो आटा है उसको मिलाएंगे और इस प्रकार से पाक हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। मैं बादाम को पहले ही भून लेती हूँ, तो इसे मैं सूप में रख के अभी साफ कर लेती हूँ।
बादाम को मैं साफ कर ली हूँ, तब इसे मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ और इसे भी मैं उसी मिश्रण में मिला दूँगी। और इसके स्थान में हम लोग नारियल या फिर तेल ये भी मिला सकते हैं। तेल गर्म हो चुकी है और मामी जो है वो गोल गोल बना रही है और उसे कढ़ाई में डाल रही है और मैं जो है उसकी हेल्प कर रही हूँ रोटी छानने के लिए। मामी जो है हमारे लिए बहुत टेस्टी रोटी बनाई है और इसे अभी हम लोग ले करके अपने घर जाने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।